खबर हल्द्वानी से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। हर मंदिर में झूला बनाकर भगवान कृष्ण को झूले से झुलाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु का तांता देखने को मिल रहा है, जहाँ सुंदर सुंदर झांकियों की तैयारियों के लिए मंदिरों में तैयारियाँ जोरों शोरों पर चल रही हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे महोत्सव हो रहा है। ये सब लोग आए हैं, सारे सब अपने बच्चों को लेके आए हैं, सब सज सज के आए हैं। कोई कृष्ण बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। सब बहुत प्यारे क्यूट से लग रहे हैं और डांस वगैरह भी हो रहे हैं। सब अपने अपने जो कला में निपुण है वो सब कर रहे हैं। इस साल जो है कई साल के बाद, दो साल के बाद जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये बड़े हमने बहुत जल्दी जल्दी में ये हमने केवल एक हफ्ते के अंदर ही हमने ये सब तैयारियाँ की हैं, और एक हफ्ते के अंदर ही हम लोगों से कह भी नहीं पाए हैं। दो तीन वर्ष जो है कोरोना काल ने खा दिए थे, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव तब भी हुआ, लेकिन आज जो हर्ष और उल्लास के साथ पूरे हल्द्वानी में, हल्द्वानी ही नहीं पूरे देश विदेशों में भी आज कृष्ण का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।